नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं रितेश कुमार। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पौष्टिक लड्डू और सत्तू का लड्डू किस प्रकार से बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सी सामग्री का कैसे उपयोग किया जाना है, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी इस वीडियो में। जैसे कि पिछले दिनों यूट्यूब पर मीटिंग हुई थी, तो सभी सेविकाएँ यूट्यूब पर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई होंगी और उनको पौष्टिक लड्डू बनाने में परेशानी आ रही है। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को पौष्टिक लड्डू और सत्तू का लड्डू बनाने का कैसे उसको बनाया जाता है, कौन कौन सा सामग्री उसमें उपयोग किया जाएगा, उसके बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल से समझाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। उससे के लिए आवश्यक बिंदु, तो इसमें क्या क्या दिया गया है, जैसे कि सामग्री आपको क्या लगेगी, प्रसंस्करण कैसे करना है, रख रखाव कैसे करना है और साफ सफाई के बारे में कैसे ध्यान रखना है, उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। यहाँ पर देख लीजिए कि पौष्टिक लड्डू बनाने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री लगेगी और सत्तू लड्डू बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री लगेगी। तो देखिए, यहाँ पे पौष्टिक लड्डू बनाने के लिए आपको गेहूँ, मड़ुआ, उसना चावल, मूंग दाल, मूंगफली, गुड़ यानी कि मीठा और घी, इन सारे चीज़ों को आपको ज़रूरत पड़ेगी। और सत्तू लड्डू बनाने के लिए आपको चना सत्तू, मूँगफली, गुड़, घी, इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। प्रसंस्करण में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि गेहूं, मड़ुआ, उसना चावल, मूंग दाल एवं मूंगफली का प्रसंस्करण करना है। तो प्रसंस्करण कैसे करना है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे दिया गया है, अंकुरित करते समय ध्यान रखें कि छोटा अंकुर आते ही उसे धूप में सुखाने के लिए रख दें। अंकुर के ज़्यादा बड़े होने का इंतज़ार ना करें। जैसे कोई चीज़ आप, कोई भी आप सामग्री अंकुरित करने की के लिए रख रही हैं, तो जैसे ही छोटा अंकुर निकले उसको धूप में सुखाने के लिए रख दें, बड़ा होने का इंतज़ार नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे है रख रखाव आपको कैसे करना है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, कच्ची सामग्रियाँ की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। जैसे कि मूंगफली की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा सा भी फफूंद दिखने पर इसे इस्तेमाल ना करें। प्रसंस्कृत सामग्री को सूखी नरमी रहित जगह पर हवा बंद बर्तन में रखें, पानी के हाथ से सामग्रियों को ना छुएं। उसके बाद यहाँ पे साफ़ सफाई में, जैसे कि कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए मास्क और सामाजिक दूरी का ध्यान रखना है, बाल को बांधकर एवं ढककर रखना है। तो गेहूँ का प्रसंस्करण कैसे करना है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे गेहूँ को पहले साफ़ करना है, रात भर उसे पानी में भिगो के रख देना है, छान कर अंकुरित कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे गेहूँ को धूप में सुखा लेना है। उसके बाद यहाँ पे सूखी कढ़ाई में उसको भूनना है, भुने गेहूँ को पीस कर आटा तैयार कर लेना है। हवा बंद डब्बे में जितने भी आटा है उसको रख लेना है ताकि उसमें हवा ना जा पाए और वो आटा ख़राब ना हो। आगे में यहाँ पे देखना है आपको कि मूंगफली का भी उसी तरह से प्रसंस्करण करना है, उसको पहले साफ़ करना है, फिर मूंगफली को सूखी कढ़ाई में भूने एवं उसका छिलका अलग कर लें। उसके बाद भुने मूंगफली को पीसकर आटा तैयार कर लें एवं हवा बंद डब्बे में इसको रख लें। फिर उसी प्रकार यहाँ पे मूंग दाल का प्रसंस्करण करना है, मूंग दाल को साफ़ कर लेना है, धोकर इसको 2-4 घंटे फुलाना है। फुलाने के बाद यहाँ पे इसको धूप में सुखा लेना है, सुखाने के बाद सूखी कढ़ाई में इसको भी भूनकर आटा तैयार कर लेना है। उसके बाद है उसना चावल का एवं तिल का प्रसंस्करण, चुनकर साफ कर लें और धोएं, यानी कि उसमें कोई कंकर वगैरह है उसमें उसको निकाल देना है, उसके बाद उसको धो लेना है। धोने के बाद तिल को धूप में एवं चावल को छाया में सुखाना है, सूखी कढ़ाई में उसको भूनना है और भूनने के बाद पीस कर पाउडर बना लेना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पौष्टिक लड्डू किस प्रकार से बनाना है, यानी कि हमने तो सामग्रियाँ सब इकट्ठा कर लिया, अब इसको कैसे बनाना है। तो इनमें सामग्रियाँ कौन कौन सी लगेगी और कितने कितने सामग्री का इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पे प्रसंस्कृत गेहूँ का आटा है, उसको यहाँ पे 100 ग्राम लेना है। उसके बाद उसना चावल का आटा 25 ग्राम, फिर महुआ का आटा यहाँ पे 25 ग्राम,
उसके बाद मूंग का दाल यहाँ पे 50 ग्राम, मूंगफली का पाउडर यहाँ पे 100 ग्राम और काला तिल पाउडर 10 ग्राम, संपूर्ण दूध पाउडर 100 ग्राम और घी 25 ग्राम और गुड़ 150 ग्राम। तो इन सारे चीज़ों को इतने इतने मात्रा में आप सभी को ले लेना है। लेने के बाद इसको आप कैसे बनाना है आगे इसकी विधि जान लेते हैं। तो कैसे बनाना है उस लड्डू को, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे विधि में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे विधि लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको कढ़ाई में इसको कढ़ाई में घी को गर्म करें एवं सभी सामग्रियों को उसमें मिलाएं तथा सुनहरा होने तक इसको भूनना है। उसके बाद दूध पाउडर को भी मिलाएं, फिर उसके बाद गुड़ को पिघला कर छान लें एवं एक तार की चाशनी बनाएं। सभी सामग्रियों का उसमें अच्छे से मिश्रित करें, इसे छोटे छोटे लड्डू बना लें और ठंडा होने पर इसे हवा बंद डब्बे में भर लें। तो आप सभी लोगों ने यहाँ पे विधि देख लिया कि कैसे इसका उपयोग करना है और कैसे छोटे छोटे लड्डू बनाना है। सत्तू हम लोगों को 150 ग्राम लेना है, मूंगफली पाउडर यहाँ पे 100 ग्राम लेना है और गुड़ यहाँ पे 150 ग्राम लेना है और घी 25 ग्राम। तो इतने सामग्री लेने के बाद आपको यहाँ पे विधि में देख पा रहे होंगे कि कढ़ाई में घी गर्म करना है, कढ़ाई में घी गर्म करें एवं सत्तू को अच्छे से मिलाकर अलग कर लें, फिर गुड़ को पिघला कर छान लें एवं एक तार की चाशनी बनाएं। चाशनी कहने का मतलब है कि जब आप लोग गुड़ को पूरी तरह से पिघलाएंगे तो जैसे चिपचिपा टाइप में होता है तो उसको तार की तरह चाशनी बना लेना है, उसके बाद ही उसको प्रयोग करना है। उसके बाद मिश्रण से छोटे छोटे लड्डू बना लें, उसके बाद ठंडा होने पर हवा बंद डब्बे में इसको भर देना है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को छोटे छोटे लड्डू बना के एक डब्बा लेना है जिसमें हवा प्रवेश ना हो, उसको उसमें रख देना है। उसके बाद आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अति गंभीर कुपोषित बच्चे की माँ द्वारा विभिन्न प्रकार के लड्डू। तो जैसे कि यहाँ पे लड्डू देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लड्डू दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से आप लोग का भी लड्डू बन के तैयार होगा। तो आप लोगों को इस ऐसे ही लड्डू बना के हवा बंद डब्बे में रख लेना है। उसके बाद ही आपको पहले चखना है, उसके बाद जो भी बच्चे हैं उन सभी को खिलाना है। तो आप सभी को ये जानकारी कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।